सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस बेहद खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कला साधक सही मायनों में हमारे देश की कला संस्कृति के संरक्षक हैं, जो अपनी कला साधना में पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। रंग तरंग इन्हीं कलाकारों को समर्पित है और आज हमारी एक बार फिर कोशिश होगी कि आपको हमारे देश की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से सराबोर कर दें। आज रंग तरंग में होगी हमारे उत्सव की मस्ती, तो साथ ही साथ बिखरेंगे कैनवस के रंग भी। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। कहते हैं भारत देश त्योहारों का देश है। ये त्योहार ही हैं जो हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नई मिठास खोलते हैं। ये त्योहारों की तो मस्ती है जब अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग राज्यों प्रांतों में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ आ जाते हैं, एक ही रस में घुल मिल जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे बैसाखी का। हाल ही में राजधानी दिल्ली में बैसाखी त्यौहार मनाया गया और इस त्यौहार की खास बात ये थी कि यहाँ पर भारत की कला संस्कृति और त्यौहारों के रंगों से सराबोर होने के लिए खास तौर पर विदेशी मेहमान पहुँचे। जी हाँ, हमारे देश में पूरे विश्व से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को इस खास कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया और हमने देखा कि किस तरह से वो भी ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नजर आए। राजधानी नई दिल्ली में राजदूतों, राजनयिकों, कई देशों के मिशन प्रमुखों के लिए बैसाखी समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजनयिक समुदाय को पंजाब की संस्कृति और बैसाखी के त्यौहार की भव्यता की एक झलक दिखाने के लिए इस समारोह का आयोजन किया। जो भी बेहतरीन चीज़ें भारत के पास हैं, खास तौर पे संस्कृति, उसका ज्ञान पूरे देश दुनिया को होना चाहिए, सब उसमें शामिल हो। और भारत एक देश है जो उत्सवों का देश है और उस उत्सवों के देश में हर उत्सव में सब लोग शामिल होकर, बड़ा छोटा बड़ा सब लोग मिलकर हम लोग मनाते हैं। और इसी प्रकार से आज बैसाखी मनाई जा रही है जिसमें डिप्लोमेटिक कोर के लोग सम्मिलित हैं और साथ ही मेरे क्षेत्रवासी भी सम्मिलित हैं। और यही जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो देश दुनिया को पहचान हो और अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में पता चले। सभी राजदूतों का ढोल और भांगड़ा के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया। इस आयोजन के माध्यम से विदेशी मेहमानों को बैसाखी के त्यौहार और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका मिला। पंजाब के ढोल नगाड़ों की थाप पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि झूमते नजर आए। विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से आए कलाकारों ने अपनी ऊर्जा से सभी को उनके साथ ताल मिलाने पर मजबूर कर दिया। लोक नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा के साथ साथ जागो भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में कई देशों के मिशन प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उत्सव में नेपाल, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, चिली, पेरू, बांग्लादेश, म्यांमार और कई अन्य देशों के मिशन शामिल हुए। Every time participate about this Indian event, see every time a new traditional and new civilization. India also it's big country. Every time we see many states, many faces, many culture, and I feel now I am filled with
friend with all Indian people. Baisakhi celebration is one of the festivals in India. We are here to learn, and I understand this is Punjabi festival for the arrival of the spring. So very happy to be here. It couldn't be better. Enjoying the company of our friends, enjoying this wonderful environment, good food, drink, and having common ideas, common expectations, and big hope for a good future of our relations. Wonderful display of Punjabi culture, and we admire the way India exhibits their diverse and rich culture to us here. इस कार्यक्रम में परांधी बांधना, मिट्टी के बर्तन बनाना और फुलकारी दुपट्टा बनाना जैसी कुछ मजेदार प्रस्तुतियां भी थी, जिसमें कई राजदूतों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन राकेश रिक्की के साथ जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। जी हाँ, हमारे त्योहार सही मायने में हमारी संस्कृति और परंपराओं की अभिव्यक्ति है। त्रिशूर पूरम केरल का बेहद मशहूर मंदिर उत्सव, जिसका इतिहास 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये हर वर्ष मनाया जाता है केरल के त्रिशूर शहर में, जहाँ पर जमकर आतिशबाजी होती है, भव्य जुलूस निकलता है और सजे धजे बड़ी संख्या में हाथी मौजूद होते हैं, जिनकी भव्यता देखते ही बनती है। हाल ही में त्रिशूर पूरम को राजधानी दिल्ली में मनाने का एक प्रयास किया गया। आतिशबाजी नहीं थी, भव्य जुलूस और हाथी नहीं थे, लेकिन ऊर्जा और रोमांच वही था। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज आपको सीधी केरल के किसी मंदिर में ले जा रही है, लेकिन ये नजारा है राजधानी दिल्ली का, जहां पर केरल के ऐतिहासिक पूरम उत्सव को उसी अंदाज में मनाया गया। नाम दिया गया दिल्ली पूरम। पटाखा और एलिफेंट इज बैंड इन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, सो वी ओनली हैव द इंस्ट्रूमेंट व्हिच वी कॉल चेंडा, व्हिच इज पंचवाद्यम और अदरवाइज। त्रिशूर का जो पूरम है, इट्स वर्ल्ड फेमस, तो हर एक मलयाली को त्रिशूर पूरम जानता है, वो क्या त्रिशूर पूरम है। सो उसका वो रिप्लिका जो बन रहे हैं, इन सबको एक बार देखने के लिए, बिकॉज नो मेनी ऑफ द लोग केरला में जितने भी लोग हैं, सबको वहाँ जाके देख नहीं पा रहे, तो इसलिए उन लोग को ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सी इट। इस उत्सव के लिए खासतौर पर केरल से कलाकारों को बुलाया गया, जिन्होंने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ केरल की समृद्ध लोक कला संस्कृति को बेहद खूबसूरती से यहाँ पेश किया। ये एक केरला का बहुत बड़ा त्यौहार है त्रिशूर पूरम का, उसका प्रगति में हम दिल्ली में कर रहे हैं। पूरा केरला में जैसे करते उसी रिचुअल आर्ट फॉर्म से इस यहाँ पर भी कर रहे हैं, उस सुबह से शाम तक वाला प्रोग्राम है ये। तो क्या कुछ खास आपको लगता है केरल की सारी संस्कृति यहाँ पर, जो वहाँ का कला संस्कृति है, वो किस तरह से आप यहाँ पे पूरा एक रेप्लिकेट कर रहे हैं, खास तौर पर वहाँ से आर्टिस्ट बुलाए हैं? हमने एक्चुअली 45 के अंदर आर्टिस्टों ने बुलाए, गुरुजी हैं, गुरुजी के अंडर में सब लोग के बुलाए हैं। उसमें ओटन तुलल बोल के एक आर्ट फॉर्म है केरला का, बाकी चंडामेलम केली करके सब ऐसे आर्ट फॉर्म के लिए आए हैं केरला से। गुरुजी, केरला में करना अलग बात होती है, दिल्ली में उसको हूबहू उतारना, हाउ टू रेप्लिकेट इन दिल्ली, वाज इट वेरी डिफिकल्ट? कितना मुश्किल था, डिफिकल्ट था? वी वांट स्प्रेड द केरला आर्ट ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, दैट इज आवर मोटो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले हियर टुडे। दिस इज फोर्थ पूरम, दिल्ली पूरम, सेम लाइक त्रिशूर पूरम विदाउट एलिफेंट। सो मेनी पीपल हैव कम हियर टू वॉच इट, सो हाउ वाज इट? पीपल, मोर पीपल, they know what are going here and they are very interested to see this and hear this, so we are no enough time, you can come there and take what is happening in there, please. पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर शहर में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। इसका इतिहास 200 वर्ष पुराना है और इसे भारत के सबसे पुराने टेंपल फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है।
ये उत्सव हमारी संस्कृति की, हमारी समरसता, हमारी विरासत दर्शाते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ये केरला की संस्कृति, केरला का कला दिखा रहे हैं। इट्स कॉल्ड चेंडमेड़म। ये केरला का ट्रेडिशनल म्यूजिकल थिंग है एंड इसमें काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी वैरायटी भी होती है इसके बीच। एक्चुअली जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। एक्चुअली ये सब पहले केरला में ही होता था, तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। जैसे मेरी वाइफ है वो हिमाचल से है, सो इट विल बी इजी फॉर मी कि मैं उसको बता पाऊँ कि हमारा कल्चर कैसा है। सो ये जो अभी पूरम जो ये मेनली हो रहा है जो पंजाबियम ट्रस्ट के तरफ से, इसके कारण हमें फील हो रहा है कि वी आर इनटू दिस कल्चर मोर नाउ। राजधानी दिल्ली में विशालकाय हाथी और भव्य जुलूस तो नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इसमें शामिल हुए, इसकी परंपरा को और आगे बढ़ाते नजर आए। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। चित्रकला अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम है और इसे आप कलाकार की वर्षों की मेहनत का फल भी कह सकते हैं। जब एक चित्रकार कूची में रंग भरकर कैनवस में गेरता है, तो कहीं ना कहीं हम भी उस कैनवस के जरिए जीवन को और करीब से महसूस करने में सक्षम होते हैं। तो साथ ही साथ आपको ले चलेंगे राजधानी दिल्ली की एक और आर्ट गैलरी, स्टेनलेस गैलरी, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह से कलाकारों ने रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त की है अपनी भावनाएँ। रंगों का संसार बड़ा ही विचित्र है। रंग हमारे जीवन की अभिन्न अंग हैं। इनसे जीवन में रुचि, विविधता और ताजगी बनी रहती है। जरा सोचिए तो, बिना रंगों के तो जीवन नीरस और बेस्वाद हो जाएगा। हमारे आसपास और वातावरण में रंगीन वस्तुएं जीवन को मोहक और सार्थक बनाती हैं। एक ऐसा ही रंगों का संसार नजर आया दिल्ली के स्टेनलेस गैलरी में। यहाँ कई चित्रकारों की कला का प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं मानव की अभिव्यक्ति, कहीं महिलाओं की आधुनिक सोच, तो कहीं भगवान के स्वरूप के रंग चित्रकारों के रंगों ने कैनवस पर उकेरे। इस पेंटिंग का नाम है शक्ति। ये हर इंसान के अंदर होती है, जिस शक्ति के महत्व से वो आगे बढ़ना चाहता है। चाहे आप इंसान में डालिए, चाहे उसको हवन में डालिए, चाहे उसको एक स्पिरिचुअलिटी में डालिए, तो सोर्स किस चीज़ से इंसान चल रहा है वो मैं बनाता हूँ। मेरी जो चित्रकला रहती है वो इंसान को ये बताती है कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, जो ओवरऑल जो है दुनिया में, उससे बड़े आप नहीं हो सकते। चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो पहाड़ हो, पानी हो, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ बेसिकली। रंग आंखों को सुकून और मन को शांति पहुंचाते हैं। लाल, पीला, हरा या फिर गुलाबी या कोई भी रंग ले लीजिए, हमारे व्यवहार पर या फिर हमारी सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि रंगों के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इस कला प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर सौरभ नारंग का कहना है कि हम चित्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता में चित्रकला का अपना महत्व है और इस कला को बढ़ावा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मेन हमारा मोटिव है कि आर्ट एंड कल्चर प्रमोट होना चाहिए और हमारा जो रिफाइनमेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिफाइनमेंट इंक्रीज होगा और कल्चरल एक्टिविटीज पर फोकस बढ़ेगा, तो उससे इट अफेक्ट्स दी सोसाइटी इन अ वेरी गुड पॉजिटिव मैनर। हमने कल्चर को दिखाया है कि इंडिया, भारत का जो कल्चर रहा है हम पनाह देते रहे हैं, तो हमारा टिबेटियन कल्चर है उसको हमने पनाह दी है, उसको हमने प्रमोट किया है। जीवन के कई रंगों को जब हम कैनवस पर देखते हैं, तो चित्रकारों की सोच और उनके हुनर की झलक साफ नजर आती है। वैसे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दर्शकों को खूब लुभा रहा था। चित्रकला प्रदर्शनी में रंग और रेखाओं के जरिए कलाकारों ने अपने हुनर का खूब प्रदर्शन किया। रेशमा की रिपोर्ट रंग तरंग के लिए।
और आइए अब देख लेते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। सीढ़ियां, झरोके, दरो दीवार, हर तरफ रफी ही रफी। जी हाँ, ये आशियाना है अरुण गौतम का, जिन्होंने अपने घर में ही अपने देवता मोहम्मद रफी के लिए एक नायाब मंदिर बनाया है। दरअसल अरुण की दीवानगी का सिलसिला शुरू हुआ फिल्म ब्रह्मचारी से, जब वे सिर्फ 7 साल के थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मूवी थी जो हम बचपन में मैंने ये मूवी देखी थी। बाल दिवस के अवसर पर स्कूलों में एक मूवी दिखाया करते थे बाल दिवस पर बच्चों की, तो ये बच्चों की एक ब्रह्मचारी फिल्म दिखाने ले गए थे हमें स्कूल पुरानी दिल्ली में। तो जब ये मूवी में गाना आया था चक्के पे चक्का चक्के पे गाड़ी, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। और दूसरा गाना था दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, उसमें जो पियानो की धुन थी ना वो मुझे इतना इम्प्रेस किया, और मैंने घर जाके जब उसी गाने को मैं यादों में खोया रहता था। तो एक दिन है ना रफी साहब का यही गाना आया रेडियो पर, तो मैंने पिताजी से कहा पिताजी ये सिंगर कौन है, तब मेरे पिताजी ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब है। और मेरे को जिस दिन पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब है, वो दिन है आज का दिन है, मैं बस रफ़ी साहब का एक ऐसा जुनून पैदा हुआ कि आप उनके एक एक गीत एक एक फोटोग्राफ पूरी दुनिया से मैं कलेक्ट करता रहा। बस फिर क्या था, अरुण रफ़ी के रिकॉर्ड जमा करते गए और कारवां बनता गया। अपनी दीवानगी को पूरा करने के लिए अरुण ने देश का कोना कोना छान मारा और तब तैयार हुआ सुरों का ये सुरीला संसार। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के कोई भी कोना मैंने नहीं छोड़ा। मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कोलकाता की गलियों में, और मेदिनीपुर एक जगह है वहाँ पर बड़ी दुर्गम जगह है, वहाँ भी मैं गया हूँ, और जो भी रफ़ी साहब के रिकॉर्ड मिले मैं सब वहाँ कलेक्ट किया। अभी हाल में मैं इंदौर से लेकर आया था रिकॉर्ड, तो जहाँ भी रिकॉर्ड मिलता है, आपको याद होगा कि ये एनालॉग का जो रिकॉर्ड 50 साल हो गए बंद हो गए, तो लेकिन मैंने एक मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली मानता हूँ कि मैं रफ़ी साहब की और पुराने गीतों की परंपरा को यहाँ संभाल के रखा हुआ, जीवित बना के रखा हुआ है। और बड़ी दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग आते हैं ये एनालॉग में गाना सुनने के लिए रिकॉर्ड के। अरुण की दीवानगी में उनकी शरीके हयात ने भी खूब साथ निभाया और ये सिलसिला शादी के 32 साल से चला आ रहा है। हमारी शादी को 32 इयर्स हो गए हैं, बट इनको पहले से भी शौक था और मुझे भी जैसे ओल्ड सॉन्ग सुनने का शुरू से शौक रहा है, तो हम दोनों वो कैसेट वगैरह रिकॉर्ड करके भी रखते थे, सुनते थे। फिर उसके बाद ये म्यूज़ियम बनाया, तो सारा जैसे देखना पूरा संभाल के रखना, और प्लस क्या कहते हैं जैसे कुछ टूट ना जाए गिर ना जाए उसका भी खास ध्यान रखते हैं। मोस्टली तो हम वैसे ही खुद ही सफाई वफाई करते हैं, कभी सर्वेंट वगैरह से भी कराया तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इतनी धरोहर है, इतनी दूर दूर देश विदेश से लेकर आते हैं ये सारा रिकॉर्ड्स जो भी हैं, तो सब पुराने ही सब रखे हुए हैं, तो उनको संजो के भी रखना पड़ता है। और लोग स्पेशली गाने सुनने आना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत खुशी होती है कि इतना अप्रिशिएशन मिलता है इनको, कि सारे लोग आके बताते हैं या देश विदेश में इनका नाम होता है इतना, तो अच्छा लगता है। मतलब कि देखकर कि चलो हमारी मेहनत सफल हुई जो चाहते थे, या जैसे उसको मोहम्मद रफ़ी को जैसे डेडिकेट किया है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। अरुण की दीवानगी का जब रफ़ी साहब की बेटी को पता चला तो उन्होंने रफ़ी साहब के इसी मंदिर में अरुण को रफ़ी साहब की नायाब यादें भेंट की। एक छोटा सा आप म्यूजियम देख सकते हैं रफ़ी साहब की याद में मैंने बनाया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि रफ़ी साहब की खुद 3 बार फैमिली ये मेरे मंदिर में और मेरे म्यूजियम में आके यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दिया। और रफ़ी साहब की एक अनमोल टाई, जो रफ़ी साहब
की फेवरेट आई थी वो मुझे यहाँ इस म्यूजियम के लिए उन्होंने भेंट की। एक पीएसयू में डीजीएम के पद पर आसीम अरुण की दीवानगी उस वक्त सारी हदें पार कर गई जब उन्होंने अपने नाम के आगे रफी लगाकर खुद को रफी अरुण गौतम के नाम से कहलवाना पसंद किया। रफी अरुण के इस खजाने में रफी साहब का गाया 1944 में बनी फिल्म गुलबलोच के साथ 1980 में आई फिल्म आसपास में गाया रफी का आखिरी गाने का एलपी रिकॉर्ड भी मौजूद है। इतना ही नहीं, अरुण के पास गांधी जी की मृत्यु पर रफी का गाया सुनो सुनो दुनिया वालों और 1962 में चीन युद्ध के दौरान सीमा पर जवानों के लिए गाया आवाज दो हम एक हैं भी मौजूद है। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। रफ़ी साहब का ये मशहूर गाना उनकी अजीम शख्सियत को बयां करता है और ये मंदिर एक पुजारी का अपने देवता को भेंट है। आज भी इस मंदिर में रफ़ी साहब अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने करोड़ों चाहने वालों के लिए जिंदा हैं। कैमरामैन राकेश और विनोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का रंग तरंग, ज़रूर हमें लिख के बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ रंग तरंग का आज का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक यूं ही कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहिए और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।